कल रात की घटना के बाद ऐसा भी कहा जा रहा है कि अप्पा भरत के निजी संबंध ऊपर तला की संपत अन्ना की बहन के साथ थे। पुलिस अप्पा भरत के संबंधों के बारे में पूछताछ कर रही है। कई लोग इसे जाति अपराध मान रहे हैं। खेमटेक और ऊपर तलाव के लोगों भी यही चल रहा है। दंगों का माहौल। क्या रे, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तू? सीधा इधर ही तो आया। अपने अप्पा ने नहीं किया है रे। रूबी साल्वा संपत अन्ना की बहन अप्पा का रिच नहीं सकता है। फिर भी साला उन लोग को कभी कोई अंदर नहीं डालेगा, जबकि सबको मालूम ऊपर तालाब का लोग कैसा जानवर है। सालों का जातिज भंकस है। इस बार 100% दंगा होएगा, देखते रहे। ए नहीं यार, नहीं देख, ये बार से अपने को दंगे में अड़कने का इश नहीं है। अरे खाली इस बात बड़ा के आज तक कुछ हल हुआ कह रहे? क्या अपना अप्पा गया, अपना अप्पा। ये धाबा है सब किसके वजह से चल रहा है? अपने अप्पा के वजह से इतना। तो ठीक है, मैं काम करता है, कल ही ताला लगा के ना इसको बंद कर देता है बस। अरे अप्पा दिया, मेरे को भी मालूम, लेकिन अभी इसको चलाना तो पड़ेगा कि नहीं? तेरे को घिन नहीं आता कह रहे अप्पा का सोच के? देख अगर आपका कुछ करा भी रहेगा ना, तो कुछ तो भी सोच के ही करा रहेगा ना रे। तो खुद ही सोच, जो अगर हो जाता तो दोनों तरफ का झगड़ा ही खत्म था ना। कैसे खत्म होता? ये कुटाने पहले भी तो हुए ना इधर, तब जाके अपने लोगों ने वो मैं के बाप को भी सुलटा। याद है कि नहीं तेरे को? कि भूल गया? नहीं चलता भाई अपने इधर, ये सब अपने इधर है ना, जाति सबसे मेन है। अरे वो मैं कौन? वो तिलिया है? अप्पा मर गया बोल के आ गए इधर रहने को वापस। हाँ वो मालूम, वो गायब था ना, कुछ तो कुटाने के बोल के अप्पा ये हकल दिए थे उसको। अरे उन्हें इच किया है साला, नसल पैदेश तो उधर का ही है ना उसका। ए देख, सबसे पहले ना है तेरा और उसका झगड़ा दूर रख, समझा? मेरे को ना अभी तुम लोग के जात पात के झगड़े में नहीं फंसने का है। देख मैं बोल रहा तेरे को, करके जो उन्हें इधर आ गया रहेगा रहने वापिस, साला इस बार दिखा ना, मैं नड़ेगा उसके साथ, देखते रहे तू। कब तक नड़ेगा रे तू? हाँ कब तक नड़ेगा? तेरे को तेरा अखा जिंदगी ऐसे ही काटने का है कह रहे? और ये सब करके क्या आपा वापस आ जाएगा? क्या तेरे ऐसा हांडिया बन के बैठा रहू? अरे गान फटे, इधर कैसे क्या? तू वापस कैसे? मतलब कब आया? 2 प्लेट 4 प्लाट का पार्सल। मैं बहुत खुश है रे वापस आया करके। ऐसे तू बराबर आज ही कैसे आया रे वापस? क्या मेरे डार्लिंग के लिए रे? तेरे को मालूम है ना कल क्या हुआ? हाँ बहुत बुरा हुआ ना रे अप्पा के साथ, अच्छा आदमी था। चांदे रे ये तला और खेमते का झमे लगाया गांड मारा रे, मेरे को अटकने का नहीं इसमें। तेरे को काय के लिए फर्क गिरता? तू तो वैसे भी क्या नहीं, मतलब तेरा खून तो दोनों तरफ का है ना रे। अपन ने क्या झाटा उखाड़ा रे बता ना, वो भी तो दोगला ही था ना। ए उमिया देख, सब कुछ मालूम तेरा खेमतेक में काय को निपटता है। और वैसे भी तेरे बाप के हादसे के साथ अप्पा का कोई लेना देना नहीं था।
अच्छा मतलब ऊपर तालाब का सब लोग चूते है ना, साला तुम लोग नहीं निकलेगा रे इसमें से बाहर। वो अप्पा भेंचो तुम में जहर भर दिया जहर। संपत अन्ना कौन सा सच का सिपाही है रे, कहा ना अपना अप्पा। और वो तालाब का लोग उन्हें क्या करते, किसके कहने पे करते ना, तेरे को सीधा मालूम सब। बोलने का था उसको लवड़ा कमीज में रखने को, काई को मुंह मारने गया उधर। छोड़ रहे जान दे, वैसे भी मरने वाले के बारे में क्या बुरा बोलने का। पहचानने को भी नहीं हो रहा कहते, सच है क्या? होना भी कैसे, उसका गांड गर्दन अलग करके ऊपर तलाव में फेंक दिया, कैसा पहचानने को आया? पापा के बारे में सीधा बात करूं मैं? अच्छा वो ठीक से साफ कर, रात में अटकता है रे वो। ए थैली लेके आ जा, उमा तू भी जा बाहर चल, करके रखता मैं, जा। अरे सुनना, इसका गांड कैसे गया इतना बढ़ गया रे? हाँ हिजड़े के माफी अब लेता था क्या इसकी भैया? छोटा लफड़ा हुआ है। Thank you.